आज मैं ऐसे एनिमे का रिव्यू करने वाला हूँ जो काफी अंडररेटेड है। एनिमे के इतना अच्छा होने के बाद भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। एनिमे का नाम है टावर ऑफ गॉड और ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू होगा, सो डोंट वरी। मैं औरों की तरह किसी एनिमे के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता एंड मैं अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि एनिमे देखना वर्थ है कि नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है एनिमे को लेकर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो सो मेक श्योर आर चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियो। तो लेट जम्प यू इनटू इट। तो ये एनिमे आया था 2020 में एंड उस टाइम मुझे ओनली इसी का ही एनिमे देखना पसंद था और जब मेरे पास देखने को कुछ नहीं बचा तब मैंने गूगल और यूट्यूब पर रिसर्च की आखिर कौन सा एनिमे है जो कि मुझे हल्की फुल्की इसी का ही एनिमे की वाइब दे और साथ ही साथ ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर देखने को मिले जो कि दिखने में तो जीरो हो लेकिन पावर में हीरो हो। और तब मुझे ये एनिमे मिला टावर ऑफ गॉड। जैसा कि नाम से ही हमें इसके प्लॉट के बारे में हिंट मिल जाता है, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही एनिमे की स्टोरी है जहां आपको एक टावर के बारे में बताया जाता है जो टावर में क्लाइम करके टॉप पर पहुंच जाएगा वो कोई भी विश मांग सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइक मुझे नो गेम नो लाइफ का सेकेंड सीजन चाहिए तो मैं उसके लिए विश कर सकता हूँ या मुझे अपनी क्रश को पटाना है। खैर छोड़ो, वीडियो कुछ ही पर्सनल हो रही है। तो एनिमे का कैरेक्टर बाम है जो कि शुरू में तो झंडू बाम से कम नहीं लगता है और उसके साथ एक रेचल नाम की लड़की होती है एंड उन दोनों को ही आसमान में तारे देखने का शौक है। मुझे भी था बचपन में पर अब नहीं। ये गाना आजकल मेरे माइंड में कुछ ज्यादा ही गूंज रहा है। तो तारों सितारों को देखने के लिए रेचल चले जाती है टावर में क्लाइम करने एंड उसी के पीछे पीछे ये लौंडा भी पहुंच जाता है जिसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है टावर के बारे में। देन उसकी मुलाकात टावर के गार्ड से होती है, मैं तो गार्ड ही बोलूंगा इसे। तो वो गार्ड उसे उस टावर के बारे में बताता है कि यदि तुम टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर उस लौंडे को तलाश है उसके फ्रेंड रेचल की एंड वो क्वेश्चन भी करता है कि अगर मैं टावर के टॉप पर पहुंच जाऊंगा क्या मुझे रेचल मिल जाएगी। तो गार्ड बोलता है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, सब कुछ मिल जाएगा पर पहले तो टावर के टॉप पर पहुंच जा। देन बाम डिसाइड करता है कि वो टावर क्लाइम करेगा। सो टावर क्लाइम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट और फाइट और गेम अटेंड करने पड़ते हैं। वही एनिमे का मेन प्लॉट है कि टावर पर चढ़ो और जो विश मांगनी है मांग लो। और वहाँ बाम अकेला नहीं था जिसका ये गोल हो, वहाँ और भी लोग आए हुए थे जिनकी पावर अलग अलग होती है एंड कुछ लोगों की ट्रू पावर को एनिमे में अभी तक हिडन रखा गया है। आई डोंट नो व्हाई, शायद सेकंड सीजन का हाइप बनाने के लिए। तो एनिमे काफी अच्छा है जिसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलती है, ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर, यूनिक स्टोरी लाइन और एक से बढ़कर एक साइड कैरेक्टर। सो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि मेरा आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है। तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।